सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आरती और हमारे साथ आज एक नया बंदा है जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है आज हमारे साथ, ट्रैवलर बनना। तो आज हम उसके साथ जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए। हमारा कल भी एक ट्रैकिंग हुआ फर्स्ट टाइम, जो था विसापुर फोर्ट का। अभी जो अच्छा लगेगा अभी करते रहेंगे, हमें तो इतना ट्रैकिंग का पता नहीं है, इसलिए ये बंदा है हमारा दोस्त, तो इसलिए इसके साथ जा रहे हैं। कल के तो पैर दुख ही रहे हैं कल भी ट्रैक हुआ है हमारा, तो पैर दुख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कल से तो वैसे भी आराम ही आराम है, तो मैंने कहा क्यों ना आज ट्रैकिंग किया जाए। ये सेम रूट है जो हम लोग गए थे, बस गाड़ी चेंज हो गई है। पहले मेरी क्लासिक थी 500 और आज हमारी एक्सेस है 125 cc। यही हम लोग जाएंगे आज भी यहाँ से अपना डांगे चौक होकर। ये आ गया हमारा देहू रोड फाटा, मतलब देहू फाटा। ये हमारा जब ये साइड में राइड होती है PCMC साइड में, तो यही हमारा होता है मीटअप पॉइंट। तो यहीं पे सारे बाइक्स वगैरह लगते हैं और यहीं से फिर हम लोग आगे की राइड स्टार्ट करते हैं। तो लोनावला रह गया यहाँ से 36 किलोमीटर। तो हम लोग अभी यहाँ पे रुक रहे हैं, तो यहाँ पे अभी करेंगे हम लोग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। ये हमारा आ गया ब्रेकफास्ट पॉइंट श्री समर्थ भेल। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, मिसल पाव खाते हैं बड़े टाइम बाद। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, तो हम लोग निकल गए हमारे डेस्टिनेशन के लिए। तो आज बारिश तो नहीं हो रही है, पर आगे तो लग रहा है शायद बारिश होगी। बादल तो है। अभी हम लोगों ने जैसे ही कामशेद क्रॉस किया तो बारिश स्टार्ट हो गई। आगे भी शायद अच्छी बारिश मिलेगी हमें, बारिश तो चाहिए ना। फिर पता नहीं यार, अगले साल वेट करना पड़ेगा इसका, बारिश का अगले साल तक। मेरा ढाबा सनी दा ढाबा। कितनी तेज बारिश हो रही है यार, इतनी फास्ट, माय गॉड ऐसे लग रही है अगर विदाउट हेलमेट कोई चलेगा ना, उसको तो लफेड़े बजेंगे लफेड़े हाँ यार बहुत तेज बारिश है सच में, मैं भीग गया। ये आ गया सामने लोनावला का टोल नाका। हाँ क्या बारिश हो रही है यार, इतनी फास्ट बारिश है, क्या बताऊँ आपको यार। पता नहीं आपको टोल नाका दिखा भी कि नहीं दिखा, मैंने तो बोल दिया। हाँ बहुत बारिश है, हमें ठंड भी लगने लग गई। भीग गया मैं मिड से लेके नीचे तक पैरों तक। ये लोनावला के मार्केट, चिक्की वगैरह के शॉप्स यहाँ पर है काफ़ी सारे, होटल्स है, स्टे है। और ये रामाकृष्ण होटल, और यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हमारा ऑफिस आ जाएगा। यहाँ से कुछ है 1 किलोमीटर में अंदर प्रॉपर लोनावला, इसमें जो गांव है ना वहाँ पर। ये कुमार रिसोर्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश है यार। मुझे पता नहीं यार आपको क्लियर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेंस तो साफ कर दिया है, देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है डेला एडवेंचर एंड रिसोर्ट। तो ये गांव से भी क्रॉस करना है, ये वाला गांव जो है, एंड देन लेफ्ट। तो आज फिर से मिल गया ऑफ रोड, वो मेन रोड तो ख़त्म हो ही गया, हमें ऑफ रोड मिलता ही रहता है। आज देखो इस पे ऑफ रोडिंग हो रही है। वो भाई सिंगल सीट है, मैं डबल सीट हूँ। लच्छी कहाँ यार, यहाँ से कोई रास्ता कटता होगा पता नहीं यार, लेकिन यहाँ से है कि नहीं इसी को पता है भाई को, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ राजमाची जाते हैं यहाँ से ना हमेशा, फुल ऑन ऑफ रोड हो रहा है।
यहाँ पे भी अच्छे वाटरफॉल्स हैं अंदर, राजमाची रोड पे भी। ठीक है, पत्थर वगैरह भी है नीचे तो उतना कुछ नहीं लग रहा है। उनको वाइजर नहीं उठाना है एक्चुअली ना, व्यूज ऐसे दिख नहीं रहे। ओहो, वाटर क्रॉसिंग आ गई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ। वाह 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 वाह, वाटर क्रॉसिंग। अरे 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 अरे, उसमें ना वो फैन में पानी चला जाता है इसके अंदर ना, उसकी वजह से ये होता है, बट निकल जाती है, कोई इशू नहीं है। निकल गया निकल गया निकल गया। चलो चलो चलो, हमें पहली वाटर क्रॉसिंग मिल गई। हम लोग पुणे के आसपास ही एडवेंचर कर लेते हैं, हमारा पुणे के एडवेंचर से कम है। झटके लग रहे हैं बड़े बड़े। पहले मैं ये गाड़ी प्रवीण भाई को देने वाला था और मैं बुलेट लेने वाला था, मतलब पहले ये सोच रहा था। फिर मैंने सोचा यार कि फिर स्पीड मैच नहीं हो पाएगी, ये तो कैसे स्लो स्लो भी चल जाती है और वो चलेगी नहीं, मतलब उसको तो फास्ट ही चलाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैं मेरे छोटे भाई की गाड़ी ले आया, रात को ही लेके आ गए थे मैं और आरती 11 बजे, कि मैंने कहा सेम स्पीड रहेगी, एक दूसरे को मैच कर लेंगे, वो मुझे मैच कर लेगा भाई, मैं उसको मैच कर लूँगा। तो इसीलिए हम लोग दोनों एक्सेस लेके आए हैं, मेरी भी एक्सेस उसकी भी एक्सेस। ये वाली 2017 मॉडल है, वो आई थिंक सो 2019 मॉडल है। दोनों बढ़िया गाड़ी है, पर दोनों में डिफरेंस क्या पता है? पता नहीं, मुझे ना उसकी हाइट बहुत कम लगती है, और मैंने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कराया हुआ है, जो मुझे जैसे शोरूम से मिली थी वैसी ही है। उसकी गाड़ी की हाइट कम है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है। मेरी BS3 है, उसकी BS4 है। ये है जी एडवेंचर। चलो भाई, कंटिन्यू चलती रहेगी तो ठीक है, वरना ना ये रुक जाती है। कंटिन्यूस में कहीं से भी कैसे भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। भाई ये कतलदार बोल के राजमाची तो नहीं ले जा रहा है? फुल ऑन एडवेंचर। चलो भाई, दूसरा वाटर क्रॉसिंग, और ये रोड देखो। अब बताओ मैं क्या बंद करूंगा कैमरा, बताओ। इतने अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मैं तो देख ही लूंगा, तो आगे फ्यूचर के लिए कैसे देखूंगा ना। पूरा एडवेंचर वाला रोड है यार। हेलमेट भी हिल रहा है पूरा। अरे भाई, कतलदार बोर के राजमाची तो नहीं ले जा रहे हो? मतलब राजमाची के जस्ट अपोजिट साइड में। अच्छा, पहले तो आप गए हो ना? हाँ, राजमाची तो मैं गया हूँ। हाँ, तो उससे पहले है थोड़ा सा। ओके, पहले है, ज्यादा पहले नहीं है। अच्छा, मतलब राजमाची पहुंच जाएंगे। हाँ, गांव राजमाची के, राजमाची है। ओके ओके ओके, चलो चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉग आ गया है, फॉगी फॉगी हो गया या तो। और ये फिर से बड़े बड़े पत्थर, और हमारी एडवेंचर एक्सेस। वो एंटी फॉग वाला जो था वो मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि दूसरे हेलमेट में था तो मैंने इसका निकाल दिया था, तो फॉग थोड़ा सा अंदर मुझे फील हो रहा है, मतलब दिख रहा है। फील थोड़ी होता है, दिखता है बे। हाँ, वही दिख रहा है, उल्टा बोल दिया था मैंने।
राजमाची गांव तक है, मतलब ऑलमोस्ट राजमाची हो गया यार, मतलब हम लोग बारिश में राजमाची कर रहे हैं वो भी एक्सेस के ऊपर। अरे क्या बात है भाई साहब, गोप्रो हो गया था हैंग, अब इसको रिस्टार्ट किया है बिना बैटरी निकाले ही। ये देखो वाटरफॉल्स छोटे छोटे, मस्त है ना जन्नत है जन्नत भाई जन्नत। कल तो संडे था तो बहुत लोग थे, पर आज तो मंडे है भाई, बस हम लोग हैं। प्रवीण भाई पहुंच गए आगे, अब नहीं आएगा रोड, ये तो थोड़ा सा आया था कुछ ना, इन्होंने कुछ 200-250 मीटर बनाया हुआ है, वो भी क्यों बनाया पता नहीं, ना ही बनाते, खर्चा कर दिया फालतू में, ऐसे ही रहने देते ना, कुछ तो अच्छा लगता है एडवेंचर में। मस्त फॉग है, वो पहाड़ी तो दिख ही नहीं रही है, देखो ये कैसे आगे पीछे कर रहे हैं डर। हाँ हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे रुके हम लोग व्यू देखने के लिए। ओहो हो हो, क्या हवा रही है, इसमें से समझ जाओ क्या ब्यूटी है यार, वाटरफॉल ही वाटरफॉल है अंदर के अंदर। अच्छा तुम जो कह रही थी ना वो वाला वाटरफॉल है, देखो जो नहीं पानी कह रही थी फास्ट जा रहा है, वो उसी का ही है। तो ये जंगली रास्ता, पत्थर ही पत्थर, आगे स्लश मिलेगा मुझे पक्का पता है, क्योंकि हमारी बीआरसी की गाड़ियां अटकी थी एक बार, बुलेट्स वगैरह, वो दलदल जैसा, कितना था वो, कुछ 1.5-2 फीट था। यहाँ पे क्या है भाई, लोग रुके हुए हैं, यहीं पे रुकना है। ओहो ये तो बहुत ही नजदीक है पहले ही राज इससे। हाँ वो स्लश वगैरह है आगे काफी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी राजमाची के रोड पे, गाड़ियां हम लोग ने यहाँ पार्क कर दी है, वो सामने खड़ी हमारी दोनों गाड़ियां। तो आज आरती का बर्थडे है, विश यू हैप्पी बर्थडे आरती, थैंक यू। और हमारे साथ जो राइड कर रहे हैं और हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, ये ट्रैवलर बना जो मैंने आपको रास्ते में बताया था, ये भाई की शक्ल देख लो, आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इंस्टा पे जाके देखो इंस्टा पे देख लो, नहीं तो पॉज करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कौन सा, कतलदार वाटरफॉल, कतलदार वाटरफॉल, तो हम भी ट्रैकर बन रहे हैं भाई, ये देख लो ये ऐसा कुछ तो रास्ता है, चलो आ जाओ जी। अरे मुझे आगे लगना पड़ेगा, इनको तो सिखाना पड़ेगा ना मतलब ट्रैकर तो वो है, हम लोग तो राइडर थे, तो थोड़े मैंने कहा हम लोग भी ट्रैकिंग कर ले, ये दूसरी शक्ति अर्जित करने में लगे हुए हैं। हाँ कि अभी 4-5 साल से तो राइडिंग कर ही रहे हैं, थोड़ा कुछ एडवेंचर में थोड़ा कुछ अलग लाया जाए, नया कुछ। तो आज आरती का भी बर्थडे है, हमें जाना था गोवा, पर गोवा में भी काफ़ी बारिश है, अगर वहाँ जाके होटल में या घर में जाके बैठना है तो कोई मतलब नहीं है, ये भी कल वाला ही सीन लग रहा है यार। तो नरेंद्र बहुत खुश हो गया कि हम लोग गोवा नहीं आए, बहुत खुश है नरेंद्र, सच बताना बहुत खुश है ना, उसको मैं अगर बोल दूँ ना भाई हम लोग 3-4 दिन के लिए आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला 1 हफ्ते के लिए, अरे यार वो ना मतलब सोच में पड़ जाता है कि अब मैं इनको मतलब क्या करूँ, उसको ऐसे हो जाता है, वो बोलते हैं मैं ना 3-4 दिन के बाद बोर हो जाता हूँ पाजी आपसे, अब मेरे से बोर हो जाता है वो, तुझे छोड़ूंगा नहीं लेकिन मैं, तू वापस आ जा, बारिश जाने दे भाई, उसके बाद तुझे अच्छे से बताता हूँ कैसे रहते हैं, मैं 1 महीने के लिए आ रहा हूँ गोवा और रोज़ खाना तेरे ही हाथ का खाऊँगा, ठीक है ना। ये देखो आज का ट्रैक अभी तो शुरुआत हुई है जी ये हमारा रास्ता है ट्रैकिंग का, इसके आसपास चलते चलते जाएंगे। अच्छा इसको क्रॉस करना है, स्लिप होएगा, आराम से पैर रखना। स्लिपरी भी हो जाते हैं यहाँ पर,
तो देख रहे हैं हम लोग ट्रैकर बन रहे हैं। ये भाई साहब लीड कर रहे हैं हमको, और ये बहुत अच्छी अच्छी ट्रैक पे जाते हैं, अच्छी अच्छी ट्रैकिंग करते हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी जगह पे, बहुत जगह वायरल है ये भाई। जगह वायरल है, मैं नहीं, बंदा वायरल है, बंदा जगह के साथ वायरल है, जगह का ही सब कुछ। वो व्यू देख के लोगों को लगता है कि हाँ यार वो फोटो अच्छी है, बाकी अगर कोई बंदा अपना मुंह दिखाया तो वो तो सेल्फी में घर पे दिखा दे वो सेल्फी में मजा नहीं आता ना। वही तो व्यू, मतलब मेरी अभी व्यू मैटर करता है, ये तो बात सही है। मैं जाती हूं। अरे देखो ये ट्रैक हम तो कभी जिंदगी में मिले नहीं, ये रूट तो कोई तो ये जंगल ट्रैक है, जंगल ट्रैक। सही यार, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग ऐसे झुक झुक के चल रहे हैं। टोपी पहनना अनिवार्य हो गया है, इसका रीजन मैं फिर कभी बताऊंगा। आरती हाँ हाँ ये रोड की वजह से बनाया हुआ है। हाँ रूट फॉलो ये हो। प्रवीण भाई तुम नहीं आते तो शायद हमें ये मिलता भी नहीं रूट यार, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, यहाँ पे वो हर आप किसी भी ट्रैक पे जाओगे ना, हाँ हाँ, तो यहाँ पे रिबिन बंधे हुए देखो, ये अच्छा रिबिन बंधे हुए येलो। ओके ओके ओके, तो ट्रैकिंग की निशानियाँ हमें धीरे धीरे समझ आ रही है कि क्या निशानी होती है। राइड पे, रोड पे राइड करते हैं तो हमारा मैप होता है, इसकी भी निशानियाँ समझ लें तो अच्छा ही है। नाइस यार, ये देखिए रिबिन है यहाँ पर, और ये हमारा डॉगी भी पीछे पीछे आ रहा है हमारे। आ जा पत्ता, हमारे पास ये 4x4 ट्रैकर है ये।